पूर्व आबकारी मंत्री तथा कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा ने इस बार बस्तर लोकसभा से अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की है। इसकी पुष्टि खुद कवासी लखमा ने की है। लखमा ने बताया है कि बस्तर के लिए मैं और मेरे बेटे ने टिकट मांगी है। लखमा ने कहा है कि अगर बस्तर से दीपक बैज को टिकट नहीं मिला तो उनके बेटे को मिलेगी। लखमा ने आगे कहा कि दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं, ऐसे में उन्हें सभी 11 सीटें देखनी हैं। बकौल लखमा दीपक बैज को टिकट मिली तो वो भी मेरे बेटे जैसा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अब तक 6 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। इनमें रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद और दुर्ग शामिल हैं। जा रही हैं कि आज गुरुवार को शाम तक शेष 5 सीटों के लिए भी नामों पर मुहर लग जाए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अपनी तीसरी सूची जारी कर देगी। इस सूची में छत्तीसगढ़ के बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर और रायगढ़ के उम्मीदवारों का नाम भी शामिल होगा। कांग्रेस ने अब तक जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, पेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और दुर्ग से कांग्रेस नेता राजेंद्र साहू का नाम है। Hey!
दुसरिया माता सी एससी सेंटर रोकेल। आप सभी को विनती करता है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपना मतदान का सही उपयोग कर सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।